बिस्मिल्लाह रहमान। अच्छा बच्चों, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है, MDH 101, लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर आपको वो टॉपिक जो मिलेंगे, डिस्टेंस है, सर्कल इक्वेशन है, ठीक है, और पैराबोला। सबसे पहले उसने बताया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ये सारी चीज़ उसने डिस्कस की हुई है। ये मैं आपके आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। डिस्टेंस फार्मूला आपको क्या बताता है? सपोज करेंगे आपके पास दो पॉइंट एक्स वन और वाई वन, एक्स टू और वाई टू। तो पहली बात तो ये समझनी है कि ये दोनों पॉइंट क्या हैं प्लेन के अंदर, क्योंकि दो दो कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर होंगे। एक पॉइंट सपोज कर लो यहाँ, एक यहाँ पर, इन दोनों को मिला के आपके पास ये एक लाइन बनती है जो इसके डिस्टेंस को शो करती है। तो वो डिस्टेंस निकालने का रूल क्या होता है कि आप दोनों की जो एक्स की वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस ले लेंगे, फिर दोनों की जो वाई की वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस ले लेंगे और स्केयर ले लेंगे। क्योंकि स्केयर करना होता है तो आप कोई भी पैटर्न इख्तियार कर सकते हैं। आमतौर पर ये कहते हैं कि बाद वाले पॉइंट में से पहले को माइनस किया। इसको यूं भी लिखा जाता है ए बी मॉड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया आपको, क्वेश्चन में वो ये कह रहा है आपसे कि दो पॉइंट दिए, इसका डिस्टेंस निकालना वो आप निकाल लोगे, लेकिन ये मैं अगला करवा देता हूँ आपको। कहता है ये तीन पॉइंट्स नहीं हुए हैं, तो आपने साबित ये करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं कोऑर्डिनेट्स। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आपने प्रूव करने हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या रूल होता है कि आपके पास क्या होने चाहिए, तीन डिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अब ए बी सी इनमें से कौन सा। उसके लिए हम इनके डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है ए बी का। तो ए बी के डिस्टेंस के लिए क्या रूल बताया था कि एक्स की वैल्यूज का डिफरेंस, फिर वाई की वैल्यूज का डिफरेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 90 का स्क्वायर रूट। ये ए बी आ गया, इसी तरह आपने निकाल लेना ए सी। ए सी जब आप फाइंड आउट करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दें, 7-4 का स्क्वायर, 5-6 का स्क्वायर, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर रूट। फिर आ जाएगा बी सी, इसमें से इसको माइनस करें, 7-1 का स्क्वायर, 5, जब इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। अब ये तीन डिस्टेंस अगर आप गौर से देखो तो इसका स्केयर बराबर इन दोनों के स्केयर के सम के, एज ठीक हो गया। तो एक्चुअली ये फिर किस चीज़ को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि बी सी जो है उसका मॉड का स्केयर बराबर है ए बी, और ये किसका है, ए सी का, ठीक है ना। ये डिस्टेंस किसका है, बी सी का, तो इसकी जगह मैंने बी सी लिख दिया। ये क्या ए बी ली, वो ये लिख दिया, और ये ए सी है। तो अब तो ये बन गया आपके पास वो रूल है कि हाइपोटेन्यूज स्केयर बराबर है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर, ठीक है। तो अब हमने अगर प्लेस करना है, ये बी है, ये सी है, बी सी यही बना ना फिर, ठीक है। तो फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपका आएगा ए बी, चूँकि उससे बड़ी लेंथ है, ये सी है, ये बी है, और ये क्या है, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा दिस वन एंड दिस वन, ठीक हो गया। तो हम कहेंगे हैंस ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, विद राइट एंगल एट
ठीक है, वर्टेक्स ए, ये बताना जरूरी होता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मिड पॉइंट का। अगर आपने मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करेंगे, तो मिड पॉइंट का सिंपल है कि अगर आपके यही दो पॉइंट हैं जो पहले हैं एक्स वन वाई वन और क्या एक्स टू एंड वाई टू है, तो आपने मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों की एक्स की वैल्यू को ऐड कर लो आप, टू पे डिवाइड कर लो, और उसके बाद दोनों की वाई की वैल्यूज को ऐड करके टू पे डिवाइड कर लो। ये लो, तो अब आप इसमें पुट करोगे, सपोज करो यही दो वैल्यू मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं इनको यूज़ करूँगा, क्या आएगा, फोर प्लस वन बाई टू, सिक्स माइनस थ्री बाई टू, अब आपके पास क्या आना है, फाइव बाई टू और थ्री बाई टू, तो ये रिजल्ट आपके पास बनेगा। अब बात समझ में आ गई, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला उसने आपको दिया हुआ है। इसके बाद बेटे अगला टॉपिक आता है सर्कल का, ठीक है, और लास्ट आएगा फिर पैराबोला का। सर्कल में उसने ये बताया आपको कि सर्कल होता क्या है। सर्कल हम कहते हैं उन तमाम पॉइंट्स का ज्वाइन, ठीक, आई बात समझ में, कि ये आपके पास है सेंटर है, तो ये कोई भी उसका पॉइंट है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम रख लेते हैं जो आपकी बुक के मुताबिक है एक्स नॉट वाई नॉट, क्योंकि फिक्स हो गया, और पी कोई भी जनरल पॉइंट हो गया ना, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसे आर कहते हैं, ठीक है। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, लोकस ऑफ द पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट आर ऑलवेज सेम, तो ये सेम रहता है, ये भी आर है तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, ठीक है। तो वो जो आर आपके पास है जिसको सी पी आप कहेंगे, वो डिस्टेंस फार्मूले के तहत निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यही है ना, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, दोनों एक्स की वैल्यूज़ का डिफरेंस आ जाएगा और दोनों वाई की वैल्यूज़ का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है, इसको बाजू का यूँ भी लिखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ये यूं भी बन जाता है आपके पास, x माइनस एक्स नॉट का होल स्केयर है प्लस क्या आएगा y माइनस वाई नॉट का होल स्केयर इज इक्वल टू r, तो बाद का ये स्केयर के बगैर भी लिख देते हैं यूं, x माइनस एक्स नॉट का होल स्केयर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r स्केयर आ जाएगा। आगे बेटे इसके क्वेश्चन है, ये उसने आपको क्वेश्चन दिया हुआ, सेंटर है और रेडियस है, तो आप इसमें पुट कर लोगे। मैं आपको अगला सवाल कर देता हूँ, ये वाला, इसमें उसने सेंटर तो दिया लेकिन सर्कल का रेडियस नहीं दिया, बल्कि उसने दिया क्या हुआ आपको, वो ये कहता है कि आपके पास ये तो सेंटर मौजूद है, ठीक है, दूसरा उसने कहा कि सर्कल जो तब एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ये है फोर टू, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं वन और माइनस टू, तो इनको जब हम मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये आर आएगा, तो सबसे पहले आपको ये डिस्टेंस निकालना है, सेंटर तो आपको ये गिवन है और पॉइंट आपके पास क्या है फोर और टू है, तो सबसे पहले आर निकाल लें आप, इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के, फोर माइनस वन आ जाएगा, टू प्लस टू करेंगे ये आ जाएगा, तो आपके पास आंसर कितना बना है फाइव, तो नाउ अब आप इक्वेशन यूज़ कर लोगे, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्केयर वाई माइनस वाई नॉट होल स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्केयर, तो आप इसमें पुट करोगे एक्स की वैल्यू जो एक्स नॉट है, उसके बाद वाई की वैल्यू ये वाई नॉट पुट कर दोगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बाकी इसको हल करना है, आपने स्केयर ओपन कर लो, सिंपलीफाई कर लोगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फार्मूला लगा लो, इसको इधर ले गया होगे तो ये फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको जरा देख लीजिएगा, ये क्या होता है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इज एक्स नॉट, ये वाई नॉट क्या वाई कोऑर्डिनेट सेंटर का, और ये रेडियस। अब वो ये कहता है कि अगर कोई आपको इक्वेशन दी हो तो उसमें से आपने सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालो, तो सिंपल है, ये जो दो नंबर लिखे हुए हैं इनके साइन चेंज कर दो आप, ये माइनस टू है
आप इसके क्या करोगे, साइन चेंज करोगे तो आपके पास वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये दिया हुआ आप एक्स माइनस टू का होल स्केयर है प्लस क्या वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या नाइन। तो रूल क्या होता है कि ये जो एक्स के साथ नंबर है इसका साइन चेंज करना है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और रेडियस निकालना है जो भी इधर नंबर लिखा उसका अंडर रूट ले लो। तो ये रूल ही होता है, ठीक हो गया, निकालते डायरेक्ट ही। फिर ये उसने दिया हुआ है, ये एक केस ये दिया हुआ है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या 25 है। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्केयर और वाई माइनस ज़ीरो का होल स्केयर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0 0, और रेडियस कितना आ जाएगा 25, ये 5 बन गया। और सेम टाइम यूँ भी लिखा होता है एक्स माइनस 4 का होल स्केयर, तो वो आप क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4 0 है, रेडियस कितना आया, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक केस उसने दिया हुआ है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 जो होता है ना, ठीक है, ये असल में इसे कहते हैं यूनिट सर्कल। इसका सेंटर तो 0 0 जो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया ये, लेकिन इसका रेडियस 1 है तो इसको कहते हैं यूनिट सर्कल। हो गई बात क्लियर। इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। बाज़ का एक्स स्केयर वाई स्केयर का कोफिशिएंट 1 होता है और बाज़ का एक्स स्केयर वाई स्केयर का कोफिशिएंट सेम होता है ए और बी जो भी है। तो उसमें से अगर आपने सेंटर निकालना है सर्कल का और रेडियस निकालना है, मैं ये सवाल कर देता हूँ आपको बी वाला, इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। ये आ जाएगा 2x² प्लस 2y² प्लस 24x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। जब भी ये एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट मौजूद होता है ना, अगर तो 1 है ठीक है, वरना जो लिखा होगा उसी से डिवाइड कर देना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 12x है माइनस 81 बाई 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है, जो एक्स वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करो, कांस्टेंट को उधर ले जाओगे, वाई वाली को एक तरफ लिखोगे, कांस्टेंट को उधर ले जाओ। अब इसमें स्केयर कंप्लीट करने हैं, मसलन अब ये दोनों टर्म्स हैं आपके पास मौजूद, तो आपको याद होगा छोटी जमातों में अगर स्केयर कंप्लीट करना था तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करते थे, वो जो आंसर आता था उसका स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देते थे। यहाँ जो वाई का स्केयर है इसको लिखो वाई माइनस जीरो का होल स्केयर, तो ये 81 बाई 2 प्लस क्या आएगा 6 का स्केयर, ये आ जाएगा एक्स प्लस 6 का होल स्केयर है प्लस क्या आएगा वाई माइनस जीरो का होल स्केयर। इस तरह भी सारे को हल कर लोगे तो ये रिजल्ट आपके पास निकल आएगा 51। एलसीएम ले लेना ना। तो अब आपको मैंने बताया कि जो भी नंबर लिखा होता है उसके साइन चेंज कर लेते हैं, और ये रेडियस कैसे निकालते हैं, जो भी राइट साइड पे नंबर है उसका अंडर रूट ले लो रेडियस। इसके बाद उसने कहा डी जनरेट केसेस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का ये है ना आर स्केयर या आर का आंसर के ए भी निकल सकता है। वो कहता है अगर आर पॉजिटिव है तो ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर क्या होगा एक्स नॉट वाई नॉट और रेडियस क्या होगा के। अगर ये जीरो हो जाता है तो सर्कल एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर ये नेगेटिव निकल आता है तो ये इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है, जिस तरह ये केस है। अब आप रेडियस जो होती लेंथ होती तो लेंथ तो नेगेटिव नहीं ना होगी, इसका मतलब ये इमेजिनरी सर्कल है। ये जीरो है इसका मतलब क्या है, जब रेडियस जीरो है तो इसका मतलब सर्कल किस में कन्वर्ट हो जाता है एक पॉइंट के अंदर, ये बात समझ में। फिर ये थ्योरम आ जाता है आपके पास, ये केस अच्छी तरह बेटे समझ लेना, ये एमसीक्यूज में आने वाली चीज़ें होती, ठीक है। जब तक ये पॉजिटिव रहेगा तब तक सर्कल बनेगा इस तरह, कोई ना कोई सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या है 3 है 2 है वट एवर। लेकिन अगर आर की, ये आर की वैल्यू है ना जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर आर की वैल्यू ही जीरो है इसका मतलब है ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है वो जाके इसके साथ मिल जाएगा, यानी ये जो पॉइंट सी है और पी ये सेम हो जाएंगे तभी आर जीरो हो सकता है ना, तो ये सर्कल तो ना रहा है फिर, तो ये पॉइंट बन गया ये केस सर्कल तो तब तक। और अब आप ये कहो ठीक है कि ये सेंटर है और ये सर्कल है तो उसका रेडियस कितना नेगेटिव,
तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, ख्यालों में तो हो सकता है डिस्टेंस नेगेटिव, तो फिर आप कोई इस पेपर पे नहीं आप ये सर्कल ड्रा कर से, फिर ये खला में ड्रा करोगे जिस तरह मैं पेन हिला रहा हूँ। अब थ्योरम उसने एक दिया है कि अगर आपके पास ये, अगर ए ज़ीरो हो जाता है या बी ज़ीरो होता, दोनों में एक भी ज़ीरो हो गया तो फिर वो सर्कल नहीं रहेगा। ये याद रखना, सर्कल के लिए एक्स का भी स्केयर होता है और वाई का भी स्केयर होता है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में से एक स्केयर खत्म हो जाए, एक्स स्केयर खत्म हो या वाई स्केयर, तो फिर वो सर्कल नहीं रहता, फिर वो पैराबोला बन जाता। वो आपको ये बताना चाह रहा है थ्योरम के जरिए। ये अब याद रखना, ये एमसीक्यू की चीज़ें होती। सपोज करो कि ये ए एक्स स्केयर प्लस क्या बी वाई स्केयर प्लस डी एक्स है प्लस क्या ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर ये चीज़ ज़ीरो हो जाती है, लेट कर लो ये ज़ीरो है, तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ ज़ीरो पुट करोगे तो बचेगा क्या, यहाँ से बी वाई स्केयर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ। आगे बात समझ में, तो फिर ये सर्कल नहीं रहता है, फिर ये बदल जाता है, इसको फिर कहते हैं पैराबोला, ठीक है। फिर ये शक्लें जो हम जो इसकी जनरल फॉर्म जो बनती है पैराबोला की, ये वो पैराबोला जाता है, ये याद रखना। ये जब भी दोनों में से एक सर्कल ख़त्म हो गया, जनरल फॉर्म इसकी क्या है जी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये सर्कल आपके पास है, इसके एक होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और वाई। तो आपने एक्स के पास ये लिखना है माइनस बी ओवर टू ए, और ये जो आंसर आएगा इसमें पुट करोगे तो वाई भी आ जाएगा। हाँ, इसमें दो केस हैं, अगर ए पॉजिटिव है तो ये जो सर्कल बनता है ये कनकेव अप होता है, ये इस पैटर्न पे बनता है, और अगर ये लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, यानी लिखा हुआ है यहाँ नेगेटिव नज़र आएगा, तो फिर ये कनकेव डाउन बनता है यूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी ओवर टू ए जिसकी बात कर, यहाँ पर है तो ये यूं बनेगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कनकेव अप है, कनकेव अप और कनकेव डाउन, ठीक है। तो वो आपने निकालना या ड्रा करना। अब ये सवाल एक दिया, आपको इसको देख लोगे तो आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो मैं नेगेटिव वाला कर देता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। ए आपके पास माइनस वन है, बी आपके पास फोर है, और सी आपके पास क्या है, माइनस फाइव। तो वर्टेक्स के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्स और वाई, आप इसके एक्स कोऑर्डिनेट निकालें माइनस बी ओवर टू ए करके, माइनस फोर ओवर टू इंटू वन, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टू। तो इसको पुट करोगे एक्स इक्वल टू माइनस टू किस में, इक्वेशन में, यहाँ पर ही पुट करना है ना माइनस टू, तो ये बनेगा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस तो वैसे बाहर दिया हुआ आपको एक, ये वाला माइनस यहाँ मैंने लिख दिया, फिर एक्स की वैल्यू पुट की है, और इसको मैं सारे को सॉल्व कर लेता हूँ तो ये मेरे पास रिजल्ट इसका निकल आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस फोर प्लस फोर फोर दस सिक्सटीन, नाइन है तो ये सेवन निकल आया। चलो ठीक है जी, ये इसका रिजल्ट निकला है, एक्स की वैल्यू आपने माइनस टू इधर पुट की और इधर की, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो अब वर्टेक्स आपका क्या बन गया, माइनस टू और सेवन। तो सबसे पहले आपने माइनस टू और सेवन वर्टेक्स ड्रा कर लेना, ठीक है। माइनस टू लेफ्ट साइड पे आएगा ये, ठीक है, ये वन और ये माइनस टू हमने कर लिए, टू फोर सिक्स और ये सेवन है, समझो ये वर्टेक्स आपका बन गया। यहाँ से आपने इसको नीचे डाउनवर्ड कर देना स्लैंग, तो ये कनकेव डाउन हो जाएगा बस, ठीक है, ये आपका सवाल बन जाएगा। अच्छा, एक मिस्टेक हुई है बेटे इसके अंदर ना, ये देखो ये ए की वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। फिर जब ये प्लस टू पुट करोगे यहाँ पर हो गया, रिजल्ट बनता है इसका। अच्छा, ये स्केयर नहीं है, यहाँ पर गलत हो गया, ये आ जाएगा माइनस फोर, ये आ जाएगा एट,
ये माइनस फाइव है तो ये बनेगा माइनस वन, ठीक है। तो अब ये वर्टेक्स बनेगा इसका पॉजिटिव टू और माइनस वन, तो ये पॉजिटिव टू और माइनस वन इस तरफ आ जाएगा, ये वन टू है और ये माइनस वन, तो यहाँ से ये नीचे ड्रा हो जाएगा, ठीक है। ये वर्टेक्स आपके पास है, ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ। इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन आपको उसने दे दिया, वो कहता है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का रूल मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने कभी भी डायरेक्ट नहीं इसको करना, इसकी हमेशा एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है। दिया उसने आपको यही हुआ इनइक्वालिटी, लेकिन आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है, और जिस तरह पहले लेक्चर के एंड में मैंने बताया हुआ वैसे आपने सॉल्व करना है इसको, ये बना के, ठीक है। फिर इसके तीन हिस्से बनेंगे, दो वैल्यूज़ इसकी निकलेंगी ना, जो भी निकल आएंगी इधर से एक्स की नेगेटिव आए पॉजिटिव, तो तीन आपके एरियाज है, एक ए बी ए सेक्शन और एक बी और एक सी, ठीक है। तो एक वैल्यू आपने, ये जो भी वैल्यू है व्हाटएवर ये लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है, एक नेगेटिव वाली है वो ये निकलेगी एक्स की वैल्यू विच इज़ वन माइनस थ्री स्केयर रूट, और एक ये निकलेगी विच इज़ वन प्लस थ्री स्केयर रूट। इसको हल करके देख लो ना क्या नंबर आता है। तो आपने एक एक इससे पीछे एक कोई वैल्यू ले लेनी है आप सपोज करके, फिर एक इसके अंदर से ले लेनी वैल्यू और एक इसके अंदर, इन तीनों को बारी बारी आपने इधर पुट करना है, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू इधर पुट करने से आंसर जीरो से बड़ा आएगा तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अगर इसमें से कोई नंबर लेके इसमें पुट करो उसका आंसर जीरो से बड़ा आएगा तो वो आपका सोल्यूशन सेट में आ जाएगा, और अगर इधर से लेके कोई वैल्यू पुट करते हो और जो आंसर एक्स की वैल्यू पुट करो और आंसर जीरो से बड़ा है तो फिर ये शामिल होगा, ठीक है। जो सेटिस्फाई करेगा वो एरिया शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर अभी क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये दो एरियाज कर रहे हैं, इसके अंदर से इन दोनों के दरमियान में ये वन है ना, ठीक है, इसके दरमियान में अगर आप कोई नंबर लेके पुट करते हो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फर्ज करो मैं यहाँ से वन ही ले लेता हूँ, अब मैं वन अगर यहाँ पुट करता हूँ ना तो आंसर जो होगा ना वो जीरो से बड़ा शायद ना आएगा, इसीलिए तो शामिल नहीं किया उसने। अब मैं वन पुट करने लगा हूँ ना, ठीक है, इसमें वन का स्केयर माइनस टू इंटू वन और माइनस फिर क्या आएगा टू, तो इसका आंसर को क्या होना चाहिए बढ़ाओ ना ये जीरो से, तो ये आ जाएगा वन माइनस फोर, ये आ जाएगा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री तो नहीं ना बढ़ा होता जीरो से, तो इसका मतलब है ये वाला एरिया जो होगा ये शामिल नहीं होगा आपका इसमें, ये इनइक्वालिटी का रूल है। इधर से कोई भी ले लो आप वैल्यू, ठीक है, वन से नीचे आप आओगे आते जाओगे जीरो आ जाएगी, वन से बढ़ जाओगे तो यहाँ से टू आ जाएगी। अब जीरो पुट करोगे, ठीक है, तो भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बल्कि ये चेक कर लो भाई इससे जीरो से आती भी है क्या नहीं है और कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इससे नीचे कोई वैल्यू देखोगे तो वो आप पुट करोगे इसमें तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर जाके ये हल होता है, ठीक है, ये तब आपके एरियाज के अंदर शामिल हुआ। इसी तरह ये अगला दिया उसने, ये आपको दिया हुआ, तो जब भी स्केयर आ जाएगा तो पैराबोला बनेगा, सारा सवाल उसी तरह ही होना है। ये कनकेव डाउन क्यों बना हुआ, क्योंकि टी स्केयर का कोफिशियंट नेगेटिव है इसलिए कनकेव डाउन है। जो स्केयर वाली टर्म होगी ना इंडिपेंडेंट टर्म वैल्यू में उसका कोफिशियंट अगर नेगेटिव है तो कनकेव डाउन है, अगर इस स्केयर वाली टर्म का कोफिशियंट पॉजिटिव होता तो ये कनकेव अप होना था। बाकी काम वही है, जो टी स्केयर का कोफिशियंट है वो ए होता है, जो टी का कोफिशियंट वो बी होता है, जो कॉन्स्टेंट है वो सी है, वो यहाँ जरूरी नहीं है। इसका एक और केस आता है कि अगर वाई का स्केयर आ जाए और x की पावर सिंगल हो तो फिर ये बनते हैं पैराबोला यूं, यहाँ तो ये राइट वर्ड ओपन होते हैं यहाँ फिर लेफ्ट वर्ड। राइट वर्ड कब ओपन होंगे, जब y स्केयर का कोफिशियंट पॉजिटिव होगा। लेफ्ट वर्ड कब ओपन होंगे, जब y स्केयर का कोफिशियंट नेगेटिव। मतलब इसका क्या है, सपोज करो ये सवाल आपको सारा दिया ही यूं जाता, उसी सवाल को मैं रिवर्ट कर देता हूँ। मसलन यहाँ x लिखा होता है, यहाँ माइनस y स्केयर, यहाँ प्लस 4y और माइनस 5, ठीक है। अब चूंकि ये a दिया हुआ क्या माइनस 1 ए है, लेस देन जीरो हो गया ना, तो अब इसने क्या होना है, इसने लेफ्ट साइड पे ओपन होना है, चाहे जो भी वर्टेक्स आएगा यूं ओपन होगा, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर इसने यूं ओपन हो जाना था राइट साइड, बाकी सवाल उसी तरह। अब यहाँ पर आपने निकालना है ना इसका वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट आएगा, वो निकालने का ये फार्मूला दिया हुआ उसने, माइनस बी ओवर टू ए, सेम वो जो ये ए आपके पास ये ए है, ये बी है और ये सी, वो इधर पुट करो, ए बी वैल्यू जो आंसर वाई का है इधर पुट करोगे एक्स आ जाएगा, तो एक्स और वाई को मिला के बनाओगे तो वर्टेक्स आ जाएगा,
ठीक है, इधर वाई है और इधर फिर क्या होगा, वो एक्स। तो वो यहाँ पर लोकेट करोगे, ये नेगेटिव है तो इधर से इधर ओपन कर दोगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो वर्टेक्स लोकेट करने के बाद क्या करना था, इधर को ओपन कर देना यूं और यूं, ये एंड हो। बाकी बेटे आप लोगों के लिए ये अकेडमी है ऑनलाइन, ठीक है, एम ए ऑनलाइन, ये अकेडमी आप लोगों के लिए शुरू होगी। इसमें मैं करवाता हूँ मैथमेटिक्स और एक टीचर है सी एस की, एक से ज़्यादा है, ठीक है, इनको मेजर करवाया जाता है। फिर जिन बच्चों का एम जी टी होता है उनको भी करवा दिया जाता है, ठीक है। ये नंबर है, तो जो इंटरेस्टेड हैं बच्चे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग में भी हैं और इवनिंग के अंदर भी है, ठीक है। ये एक मरतबा देख लो जो मैंने आपको काम करवाया। ठीक है बच्चे, तो जो संजीदा इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेपरेट टीचर हैं सारे। गॉड ब्लेस यू।